अमरोहा के डबरासी गांव में बीते एक हफ्ते में करीब 100 से ज्यादा बंदरों की मौत का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि बीते एक सप्ताह में बंदरों की तड़प तड़प कर मौत हो गई है। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि बंदरों को जहर देकर मारा गया है। वहीं बंदरों की मौत की वजह जानने के लिए पशु चिकित्सकों की टीम ने बंदरों का पोस्टमार्टम किया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह साफ नहीं हो पाई। 8-10 दिन में हमारे यहाँ 100 बंदरों की मौत हुई है। लोग लगभग रोज 8-10 बंदर मर जाएं। अब ये डॉक्टर साहब परसों इन्हें सूचना दी गई थी, ये आए गांव में, कल मैं भी बैठा इनके साथ, तो बंदर हमने पाए। इन्होंने बताया कि इन्हें लूज मोशन की वजह या कूनी पेचिस की शिकायत है, और इसका बेसरा भी लेकर गए ये बरेली या जहाँ भी जाँच होगी इनकी, और एक बंदर को भी ले गए रख कर। और जो है अब कुछ आज तो कुछ कमी दिखाई दी है इनमें। 8-10 दिन से गांव में बंदर मर रहे थे। मेरे सफाई कर्मचारियों ने, गांव वालों ने आकर बताया कि प्रधान जी आज उस मोहल्ले में बंदर मर गया, आज उस मोहल्ले में बंदर मर गया, इस तरह की वो मुझे बताते रहे। अब उसमें मैंने जो है उठवाए बंदर, उन्हें दबाता रहा, किसी दिन 2, किसी दिन 4, फिर जब ये संख्या 8-10 प्रतिदिन तक पहुँचती गई तो मेरे लिए चिंता का विषय बना। मैंने सोचा कि यार पता ना कुछ बीमारी हो गई, क्या हुआ। तब मैंने लगभग अभी 4-5 दिन पहले डॉक्टर्स को फ़ोन किया, पशु चिकित्सा अधिकारी हैं हमारे ब्लॉक में, हमने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब जो है ये बंदर मर रहे हैं हमारे बहुत ज़्यादा, आप जो इनका कोई ट्रीटमेंट कीजिए। डॉक्टर्स आए और उस दिन के बाद से इनका इलाज वगैरह चल रहा है। वहीं बंदरों की रहस्यमय तरीके से हो रही मौत पर अधिकारी हैरत में है। उनकी माने तो बंदरों की मौत को लेकर जांच की जा रही है। तीन दिन पूर्व मुझे ग्राम प्रधान डवारसी ने सूचित किया कि मेरे ग्राम में बंदरों की अचानक मृत्यु हो रही है, आप आके देखें। मैं मौके पर आया, मुझे 2 बंदर यहाँ पे मृत मिले। उन्होंने मुझे बताया कि अब तक जो है यहाँ सैकड़ों की संख्या में बंदर मर चुके हैं। मैंने बंदर को लिया और अपने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को साथ में लेकर उसका पोस्टमार्टम किया, और पोस्टमार्टम करने के बाद मैंने उसकी बिसरा को कलेक्ट किया। बिसरा लेने के बाद मैंने उसको IVRI बरेली है भिजवा दिया है फाइनल डिसीजन के लिए। मुझे जो प्राथमिक लक्षण जो उसमें मिले, हेमरेजिक एंटराइटिस था, खूनी दस्त, उसमें जो लिवर डिजेनरेट हो रहा है, लंग्स सुखड़ते जा रहे हैं, और पानी की कमी और डिहाइड्रेशन की वजह से इनकी मृत्यु हो रही है। सर बताएं, डवारसी में बंदरों की मृत्यु 1-2 दिन से हो रही है। इसके लिए हम लोगों ने एक वेटनरी की टीम और एक फॉरेस्ट की टीम को यहाँ लगाया है, जो इस बात का लगातार परीक्षण कर रहे हैं। कुछ निष्क्रिय बानरों को भी दवाइयाँ दे रहे हैं कि वो सक्रिय हो, और जिनका डेथ हो गया है उनको भी व्यवस्था की जा रही है कि वो समुचित तरीके से सुरक्षित ढंग से उनका निस्तारण हो। फिलहाल मृतक बंदरों को जांच के लिए बरेली लैब भेज दिया गया है कि आखिर किन कारणों से सैकड़ों बंदरों की मौत हुई है। अमरोहा से नदीम अहमद, पंजाब केसरी TV।